गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखी थी, बहुत ही इंट्रोडक्शन सा था। बस हमारे काम की चीज़ें जो थी वो था, हमें एटॉमिक मास याद करना था और दूसरा छोटा सा रिलेशन प्रैक्टिस करना था। होमवर्क भी आपको दिया गया था, उम्मीद है होमवर्क आपने कर भी लिया होगा, सही भी होगा। आंसर आपके सामने है, आप चाहे तो इसको चेक कर लीजिए। 23 एक्साग्राम दैट विल बी इक्वल टू 23 × 10^18 ग्राम। नेक्स्ट वन इज 9 गीगामीटर, 9 × 10^9 मीटर। 12 नैनोलीटर, 12 × 10^-9 लीटर। 4 एटोमीटर, 4 × 10^-18 मीटर। 31 मिलीलीटर, इसका भी आंसर आप देख लीजिए, 31 × 10^ मिली दैट इज -3 लीटर, सही होगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको ये डिटेल्स देख लेनी है। हम बार बार कह रहे हैं ये डिटेल्स देखना है, इसका मतलब आगे इसका काफ़ी यूज है, तो आप ज़रूर से इसको याद रखेंगे। एल्युमिनियम 27, आर्गन 40, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कैल्शियम 40, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5, कॉपर 63.5, फ्लोरीन 19, हीलियम 4, हाइड्रोजन 1, आयोडीन 127, आयरन 56, लेड 207.2 यानी कि कितना लेंगे हम 207, लिथियम 7, मैग्नीशियम 24, नियॉन 20, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फास्फोरस 31, पोटेशियम 39, सिलिकॉन 28, सिल्वर 108, सोडियम 23, सल्फर 32, यूरेनियम 238 एंड द जिंक वन इज 65.5। क्लियर है? ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज सेकेंड लेक्चर। आपकी स्टार्टिंग के एक दो नहीं, आई थिंक 3 लेक्चर तक मैक्सिमम फिजिक्स का पार्ट चलेगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से आपकी केमिस्ट्री धीरे धीरे स्टार्ट होगी। ये फिर से वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि ज़रूरी भी है और उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। याद हो गया है? हाँ बिल्कुल, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। देखिए नेक्स्ट टुडेज टॉपिक इज मास एंड वेट। ये टॉपिक भी आपने कई बार पढ़ रखा होगा, ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, फिर भी क्योंकि बुक में दिया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेंड इन इट। जस्ट लाइक ये जो मार्कर पेन है, इसमें ढेर सारे एटम्स हैं, है ना, उन पार्टिकल्स से मिलकर ये बना है। अगर हम उन सारे पार्टिकल्स के मास को ऐड करें तो जो मास आएगा वो इसी के मास के इक्वल होगा, दैट इज मास। तो फिर वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटी, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इट इज, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन अ सब्सटेंस। अब मान लीजिए मेरा मास 50 किलोग्राम है, राइट, सो दैट इज माय मास, 50 किलोग्राम इज माय मास, बट माय वेट इज 500 न्यूटन। वो कैसे पता चलेगा? जब हम 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारी जी स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8। अगर आप 9.8 या 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 500 के अराउंड एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज माय वेट। दोनों में पहचानेंगे कैसे आप? सो वेट पे हमेशा यूनिट आपको रहेगी न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। लेकिन मास की यूनिट हमेशा क्या रहेगी? किलोग्राम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मास कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि इस मार्कर पेन की मास यहाँ पर जितनी है पोल पे भी उतना रहेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे भी उतना रहेगा और मून पे भी उतना ही रहेगा। लेकिन सेम मार्कर पेन का वेट सरफेस पे कुछ और, पोल पे कुछ और मून पर कुछ और होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज डिफरेंट इन ऑल प्लेसेस, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे। मून पे वो कितना होता है? 1/6 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ये 60 न्यूटन का है, 60 न्यूटन यानी क्या है इसका वेट है, तो
तो इसका वेट आपको मून पे कितना मिलेगा, 10 न्यूटन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर अर्थ। तो ये तो डिपेंड करता है प्लेस पर, लेकिन मास डिपेंड नहीं करता है। सो आइए देखते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब इट डज नॉट चेंज, वाइल इट्स वेट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वेरिएशन इन ग्रेविटी। नेक्स्ट देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, वेयर एज ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। नेक्स्ट टर्म व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेंसिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमसे ये कहा जाए वॉल्यूम क्या है, पहले ये जान लेते हैं। वॉल्यूम इज अ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक तो देखिए ऑब्जेक्ट दो टाइप होते हैं, एक 2D होता है, एक होता है 3D। जो 2D में स्पेस ऑक्यूपाई होता है दैट इज नोन एज एरिया। आपने बार बार मैथ से पढ़ा ना एरिया निकालना, सो दैट इज फॉर टू डायमेंशंस इफ इट इज गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। मान लीजिए मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है एंड द लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, या फिर आप इसको लेंथ ले लीजिए, इसको ब्रेथ ले लीजिए, दैट डजंट मैटर। तो हमें अगर इसका एरिया पूछा जाए कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है ये 2D ऑब्जेक्ट से, सो दैट विल बी एल इंटू बी होता है। मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो एरिया कितना आ जाता है, 2 मीटर स्क्वायर। हमारे काम का जो है वो मीटर स्क्वायर है, ये नंबर नहीं, नंबर तो आप भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देखिए ये कैसा आया, मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो जब हम 2 मीटर को मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर होगा, 3 को करेंगे तो क्यूब होगा। इट इज डिफाइंड, इट इज द एरिया विच इज डिफाइंड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। इफ इट इज 3D, अगर ये 3D है देन वी विल डिफाइन 3 थिंग्स, लेंथ ब्रेथ हाइट। याद है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, m ये लेंथ हो गया, ब्रेथ भी m और हाइट दैट विल बी ऑल्सो m। अब हमें ये बताइए इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। अगर हमसे इसके CGS यूनिट पूछा जाए, CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड, यानी किसी का छोटा यूनिट, तो मीटर का छोटा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ मीटर का क्यूब है वैसे यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। ये तो रही बात कि वॉल्यूम क्या है, सो वॉल्यूम इज द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी 3D ऑब्जेक्ट। अब आपसे पूछा जाए तो 3D ऑब्जेक्ट में देखिए ये जो आपके सामने बोर्ड है इसका देखिए ये वाला पार्ट क्या हमारा लेंथ, ये वाला पार्ट हमारा ब्रेथ है, राइट। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पीछे से ये वाला पार्ट दैट इज इट्स हाइट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सर दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट, दैट विल बी योर चॉइस, दैट डजंट मैटर। क्लियर है, ओके। सो जब हम 3D ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल डेली लाइफ में क्या यूज है और डेंसिटी में इसका क्या रोल है। देखिए हमने लिखा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मेरे पास कुछ गैस है, राइट, और मेरे पास 2 कंटेनर है, दिस इज कंटेनर ए दिस इज कंटेनर बी। मान लीजिए मेरे पास 5 ग्राम गैस है, ठीक है, हमने इसमें भी 5 ग्राम गैस डाल दिया और हमने इसमें भी 5 ग्राम गैस डाल दिया। आप हमें ये बताइए कि जो 5 ग्राम गैस डाले उसके पार्टिकल्स यहाँ यहाँ बैठे होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि वो गैस है ना उस पूरे कंटेनर में कहीं ना कहीं फैल गए होंगे, ठीक है। अब ऐसे देखिए इस कंटेनर में भी वो पूरा फैल गए होंगे। अब बस यही से डिफरेंस आपको देखना है,
यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाइड है यानी कि जो वॉल्यूम है, लेट्स से दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए वी ए, यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाइड है ऑफ बी दैट इज लेट्स से वी बी, राइट, दैट इज वी बी। अब देख किसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि इसका स्पेस ज्यादा है। अब देखिए क्योंकि इसका स्पेस ज्यादा है यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आपने 9 10th में 10th की फिजिक्स वगैरह में हर बार आपने सीखा होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब देखिए डेंसिटी आपका टॉप न्यूमरेटर है, वॉल्यूम आपका क्या है डिनोमिनेटर, तो ये दोनों कैसे रिलेशन में होते हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी कि जब आप डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या जब आप डेंसिटी घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, मास पर कैसे डिपेंड करता है डायरेक्टली। सो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है सेम रूम में, मान लीजिए मेरे पास दो सेम साइज के क्लासरूम है, ठीक है, और मैंने एक क्लासरूम में 10 ग्राम गैस छोड़ा और दूसरे वाले में 15 ग्राम, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, हाँ जिसका मास ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, राइट। देखिए ये भी टॉप पे है, ये भी टॉप पे है, देन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे आप मास बढ़ाएंगे डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, क्लियर है। तो चले ये तो रहा आपका टॉपिक डेंसिटी क्या है, ये कुछ नहीं था बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम इसके एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं यहीं पर, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे ना। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब पीडीएफ वर्क में है, अभी हम दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हम पीडीएफ दे देंगे तो आप वहाँ से आराम से कॉपी कर लीजिएगा। देखिए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, कल हमने सीखा था, यस दैट इज किलोग्राम होता है ना, गुड। वॉल्यूम का अभी तो हमने कहा था एसआई यूनिट यानी कि मीटर में लेंगे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको लिखने का एक और तरीका है, दैट इज किलोग्राम दैट इज किलोग्राम। अब आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है एक्सपोनेंशियल टर्म का, जब भी नीचे का टर्म आप ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर रिवर्स होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए हम इस मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए नीचे जो पावर है 3 वो कैसा है, पॉजिटिव, ऊपर जाके कैसा बन जाएगा, निगेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो दैट विल बी -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और यूनिट आपको देखने को मिलता है जो कि हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर वही यूज करेंगे, वो क्या है, CGS यूनिट, यानी इसका छोटा यूनिट। अब तो ये मास क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम का छोटा यूनिट क्या है, हाँ याद आया, ग्राम, दैट इज ग्राम अपॉन, मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब, बस हो गया। यानी कि एक यूनिट ये भी होता है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहे इस सेंटीमीटर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाने के बाद ये पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये दो यूनिट्स हैं किसके, डेंसिटी के। देखिए यही चीज यहां पर दिया हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या हमारा एसआई यूनिट है, और स्मॉलर यूनिट में क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेम्परेचर, आपने हर बार टेम्परेचर बारे में पढ़ा है तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टाइम नहीं देंगे, बस टेम्परेचर क्या करता है, हमें इस बात की एक्सपीरियंस कराता है
हमें एक वैल्यू देता है जिससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। क्लियर है? ओके, सो हम कन्वर्जन सीखेंगे जो कि आप बहुत पहले ही सीख चुके हैं, फिर भी आपके 11th और 12th की केमिस्ट्री में काफ़ी यूज है, तो हम एक बार फिर से आपको पढ़ा रहे हैं और आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए पहला रिलेशन हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट। आपने अलग अलग फॉर्मूला याद रखा होगा, सी का फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला, आप वैसे करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो मैथ्स का कैलकुलेशन है, वैल्यू सेम आएगी, तो मुझे उससे कोई सुनी है। हम ऐसे क्यों लिखे हैं? क्योंकि मुझे ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेम रिलेशन से हम डिग्री सेल्सियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन में दोनों ही आते हैं, तो हमें अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसको याद है वो वही फॉर्मूला यूज करेगा, जिसको नहीं याद है वो इस रिलेशन को याद रखेगा। व्हाट इट इज सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। और इसमें अगर हमें सेल्सियस निकालना है तो फारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे, अगर हमें फारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 77 डिग्री फारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ठीक है, क्या दिया हमें? 77 डिग्री फारेनहाइट, और हमें इसको किस में निकालना है? डिग्री सेल्सियस में। सिंपल है, हमारा जो रिलेशन है दैट इज व्हाट, सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। क्या हमें सी दिया है? नहीं, हमें तो निकालना है, हम ऐसे रखते हैं सी बाई फाइव एफ माइनस 32। एफ दिया है क्या हमें? हाँ दिया ना, कितना? 77 माइनस 32 अपॉन 9। अब देखिए सी बाई फाइव हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या हम इस 9 से 77 को ट्राई कर सकते डिवाइड करने का? नहीं कर सकते, और कभी आपको ट्राई भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है, तो आप डायरेक्ट कैंसलिंग कभी भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 36 भी होता तो भी आप कैंसिल नहीं करते। कैंसलिंग कब होती है? जब मल्टीप्लाई का रिलेशन हो। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 45 आ जाएगा अपॉन 9। क्या आप कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कितने बार में, 5 टाइम्स में क्या मिलेगा हमें? C बाई फाइव इज इक्वल टू 5 मिलेगा। बस अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, C की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आंसर आ गया हमारा 25। बस सिंपल था, कर सकते हैं। चलिए सो आंसर चेक कर लीजिए, आंसर इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपका होमवर्क है, दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दिए गए हैं, 50 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में बनाना है, जिसका आंसर भी आपको दिया गया कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट बनाना है, जिसका आंसर कितना आएगा? 68 डिग्री फारेनहाइट। कर सकते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन जो ज़्यादातर यूज होगा, बहुत सिंपल सा है, दैट इज अबाउट यस सेल्सियस एंड केल्विन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेशन ही देख लीजिए, जो केल्विन की वैल्यू होती है उसमें जब हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में 273.15 ऐड करते हैं, याद है ये वैल्यू कहाँ देखा था हमने? हाँ, जब हम 1 केल्विन को डिवाइन कर रहे थे तो हमने कहा था जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? यस, इट इज दैट पॉइंट वेयर वी कैन गेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल थ्री फेज ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। जब हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को 1/1 यानी कि इतने से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू केल्विन, 1 केल्विन। खैर हमें उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी जो मेरे काम का है बस वो इतना सा है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5, ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये इसको आप काट दीजिएगा। देखिए ये क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 273.15, लेकिन हम जो लेके चलेंगे हर बार कैलकुलेशन में दैट विल बी 273 ओनली। क्यों? ताकि हम नहीं चाहते मेरा कैलकुलेशन इतना ज़्यादा लेंदी हो। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको 0.15 भी लेके चलना होगा, तो हम बताएंगे आपको। बस याद क्या रखना है, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? 273.15, लेकिन हम जो लेके चलेंगे दैट इज 273। क्लियर है? तो बस अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 223 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन।
223 डिग्री सेल्सियस, हमें किसमें बनाना है, केल्विन में। रिलेशन क्या है हमारा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 0.15 को इग्नोर करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, 223 प्लस 273, इसको ऐड कर देंगे, देखिए कितना आएगा, 336, 729 एंड 224, दैट विल बी इक्वल टू 496 केल्विन। यस, सो आंसर इज 496 केल्विन। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट पार्ट इज कन्वर्ट 307 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट 307 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस दिया केल्विन दिया है, 307 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। देखिए आपको फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है, आप यूज कर सकते हैं। नहीं याद है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है याद करने की, रिलेशन याद है बहुत है, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये रिलेशन है। देखिए इस क्वेश्चन में केल्विन दिया हुआ है तो हम केल्विन की वैल्यू रखेंगे, कितना 307 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस नहीं दिया था, हम इसको ऐसे रखेंगे प्लस 273। समझ में आ रही मेरी बात, चलिए आगे देखिए, हमें तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे 273 को इधर लेके आते हैं। तो आप हमें ये बताइए इधर कैसा रिलेशन है प्लस का, जब साइड चेंज करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 273 इज इक्वल टू इधर क्या बचा डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7 माइनस 3 4, 10 माइनस 7 3, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी द आंसर। चेक कर लेते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस। बस ऐसे ही आपको कुछ होमवर्क दिए गए हैं, चार क्वेश्चन हैं, चारों के आंसर भी आपको दिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें और आंसर्स को मैच करें। फिर भी अगर कोई इशू होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। अब जाके हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, अपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, बस सिंपल से ये समझिए, हम कई बार ऐसे नंबर पाते हैं ना लिखा हुआ 2, 4, 5, 6, 0, ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं, नहीं यही नंबर नहीं कोई भी नंबर हो, तो ये जो नंबर है ये नंबर क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हम क्या करेंगे इसको छोटे से तरीके में लिखने के सीखेंगे, और वो जो तरीका है दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा साइंटिफिक नोटेशन सीखने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे अगर मैंने लिखा 56 और हम आपसे कहें कि बताइए इसमें डेसिमल कहाँ है, तो आप तो कहेंगे सर डेसिमल है ही नहीं, तो अगर हमसे कहा लेकिन आप डेसिमल दिखाइए तो हम डेसिमल कहाँ लगा देंगे, लास्ट में, बात समझ आ गई। दूसरी चीज, किसी भी नंबर के डेसिमल के बाद अगर जीरो हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी कि आप जब मर्जी इनको लगा भी सकते हैं और जब मर्जी इनको हटा भी सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि क्या 6.00 लिखा जा सकता है, तो हम बिल्कुल कहेंगे हाँ लिखा जा सकता है, हम तो इसको 6.00000 चाहे जितना जीरो लिखिए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब के सब क्या है सेम है। अगर डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ जीरो है सो दे आर मीनिंगलेस, बात क्लियर है। चलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो देखिए इसको छोटा कैसे लिखते हैं हम, बहुत सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें से हम छोटी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू कौन है, देखिए 2 है, 2 है ना, तो हम क्या करेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ डेसिमल है ही नहीं तो हम मान लेंगे यहाँ पर हमारा डेसिमल है, मान सकते हैं लास्ट में, तो हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 2.456, क्या लिखेंगे हम 2.456 10^10। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, जब हम अपने डेसिमल को इस साइड में लेके आगे बढ़ते हैं यानी कि लेफ्ट साइड में, तो पावर क्या होता है प्लस होता है, यानी पावर बढ़ता है। अपोजिट केस, जब डेसिमल को हम इस साइड में लेके जाते हैं यानी कि राइट साइड में, तो पावर क्या होता है
घटता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। या फिर दूसरा तरीका आप कैसे याद रख सकते हैं, ये देखिए, ये जो पहले नंबर था दैट वाज 245,600 था ना, अभी जो नंबर है ये वाला पार्ट, सॉरी अभी जो ये नंबर था दैट वाज 2.456, वो कितना था हम लिख देते फिर से 2.45600। ये बताइए वैल्यू कितनी है, 2 से थोड़ी सी बड़ी है, ये वैल्यू क्या है 2 से थोड़ी बड़ी, लेकिन 3 से क्या है कम है, तो अब बताइए ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो देखिए पावर क्या हो जाएगा 10 to the power, देखिए कितने स्टेप्स यहाँ पर था ना, कोई डेसिमल अगर कहीं नहीं है यानी कि लास्ट में होगा, तो आप डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, तो देखिए कितने स्टेप्स हुए 1, 2, 3, 4, 5, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2.456000 × 10^5। दूसरी चीज, इस जीरो का क्या कोई मतलब है, नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल के एकदम लास्ट में राइट साइड में है, तो हम इसको भी हटा देंगे, हम क्या लिखेंगे इसको 2.456 × 10^5। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो तरीका है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, दैट इज n × 10^n, ये होता है, हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जहाँ पे इस n की वैल्यू हमेशा लेस देन 10 होगी, 10 से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अब चलिए कुछ और नंबर ट्राई करते हैं, लेट्स से 4, 8, 9, दिस इज 9, हाँ बस ये नंबर है, हमें इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कहीं डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल कहाँ लेके आएंगे, फर्स्ट डिजिट के पास, तो क्या हो जाएगा ये 4.89 × 10^5, यहाँ लिखते हैं 10^5। अब देखिए ये डेसिमल कहीं नहीं है क्वेश्चन में, नहीं कहाँ होगा, लास्ट में, तो इस डेसिमल को हम किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में ना, कितना 1, 2 steps, तो यहाँ पर 10^2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए अगर समझ में आ रही है तो और क्वेश्चन देखते हैं। फाइव 4, 3, 2, 0, 0, 0, 0, इसको हम क्या लिखेंगे, तो बस पहले आपको माइंड में आएगा सर 5 के बाद पॉइंट लगा लीजिए, सो आई हैव रिटन 5.432, फिर 1, 2, 3, 4, 0 × 10^5, इतना तो हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कितना स्टेप्स, इसमें कहीं डेसिमल आपको दिखा, नहीं दिखा ना, तो डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में, यहाँ तक आने में कितना डिजिट्स कवर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 10^7, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, पहले था, इस डेसिमल की वजह से इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे 5.432 × 10^7। बात समझ में आ गई, चलिए ये तो रहा इसे द बेसिक पार्ट, अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखिए। अब अगर आपको दिया गया है 6, 8, 9.23, या फिर मान लीजिए 6, 8, 9.2 दिया है, तो अब आपको देखिए पहले से डेसिमल दिख रहा है, उसमें डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहां तक लेके आएंगे, सो इट विल बी 6.892 आएगा ही। अब देखिए 10^5, डेसिमल कितना स्टेप गया, 1, 2, 3, नहीं वो तो तब जाता जब यहां से डेसिमल जाता, अभी तो डेसिमल यहां पे था ना, यानी कि यहां से एक स्टेप यहां, दूसरा यहां, तो कितने स्टेप चला, ये सिर्फ 2 steps, सो इट विल बी 10^2। हम जो समझाना चाहते समझ में आ रहा है आपको, चलिए और क्वेश्चन देखिए, 4.62378 × 10^5। अब देखिए क्या यहां से काउंट होगा, नहीं,
जहाँ से डेसिमल शिफ्ट हुआ है, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आया, कितना स्टेप? वन स्टेप। सो 10^1। अच्छा 10^1 को हम लिखते नहीं है, इस 1 को हम छिपा देते, इसको हम दिखाते नहीं है, सिर्फ क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। 10^1 का मतलब होता है 1 बार 10, तो वो तो वैसे ही पता चला 1 बार 10 है ये, क्लियर है। चलिए इसका एक और एप्लीकेशन पढ़ देगी। 478.293 × 10^4। अब हमें अगर नंबर ऐसे दिया है तो क्या, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, इसको पहले शिफ्ट करिए, दिस विल बी 478.293 × 10^4। देखिए ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आया, कितना स्टेप? 2। अच्छा 10^4 आपके पास पहले से ही था, पावर 2 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? हाँ 10^6 हो जाएगा। पास समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। 5896.23 × 10^7। ये पावर 7 है, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके बिल्कुल ट्राई करिए। हाँ कर लिए, देखिए कितना आंसर आया होगा, 5.89623 × 10^10 आया होगा, आया है, सही है। चलिए यानी कि अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। इसका एक नेगेटिव सेक्शन वाला पार्ट देख लीजिए। अब 4823.7500 × 10^-7। इसको बताने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पहले से मालूम है। आप बताइए 2 और 3 में बड़ा कौन है? हाँ 3 बड़ा है। सोच रहे हैं क्या बच्चों सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए -2 और -3 में बड़ा कौन है? -3। यही मिस्टेक है, नेगेटिव में जिससे अपोजिट हो जाती हैं। देखिए इसमें बड़ा कौन है? -2 बड़ा है। तो बात समझ आ रही है, अगर हम कहें कि 5 में 2 ऐड करना है तो आप कहेंगे सर 7 आएगा। अगर हम ये कहें कि -5 में 2 ऐड करना है तो अब आप इसको -7 नहीं बोलेंगे। एक्चुअली ये नंबर बड़ा कब होगा? जब ये नंबर कम होगा तो ये कितना होगा? -3। या फिर आपको सिंपल सा ये देख रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या करेंगे माइनस, तो 5 - 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3। बड़ा कौन है? 5। उसका सिंबल कैसा है? माइनस, तो -3। आप चाहे तो ऐसे याद रखिए, या तो सिंपल सी बात आपको ये याद रख रहा है कि नेगेटिव में वैल्यू जब बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। यानी कि अगर हम कहें कि -7 में +3 ऐड करो तो कितना आएगा वैल्यू? -10 नहीं, कितना? -4 आ जाएगा। पास समझ में आ गई। चलिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हाँ 4.82375 1230 × 10^10। बस अब रुक जाएंगे, देखिए डेसिमल यहाँ था ना, यहाँ पे आया, कितना? 1 2 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। -7 जब आप 3 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? हाँ डैट विल बी -4। ये आ गया आंसर, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस जीरो का हमें मालूम है कोई मतलब नहीं है, तो हम इन जीरो को हटा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर 4.82375, कर सकते हैं। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, अपने टॉपिक पुल आउट। सो देखिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 543.609। तो बस क्या करना है, डेसिमल उड़ाएगा हम यहाँ लेके आएंगे। देखिए डेसिमल पहले से था तो कितना आया? हाँ कितना आया? 2 स्टेप्स। सो 10^2। ऐसे देखिए ये नंबर सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हमें कहाँ लेके जाना होगा? 2 के पास में। तो क्या लिखेंगे हम? 2.7 × अब देखिए ये जो डेसिमल है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट साइड में। तो पावर क्या होता है? घटता है। तो देखिए कितना स्टेप गया? 1 2 3 4। तो देखिए घटा के इसको क्या किया गया? 10^-4 किया गया है। -4 का मतलब वो वैल्यू क्या हो रही है? घटी हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये तो कुछ नहीं दिया था, 2 3 1 0 4 5। ऐसे इसमें डेसिमल नहीं था, तो डेसिमल हमारा यहाँ पे हम मान लेंगे और यहाँ से लेके आएंगे यहाँ तक, कितना? 1 2 3 4 5। सही है, कर सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप खुद से सारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें भी होमवर्क वगैरह दिया गया, आपको ढेर सारे होमवर्क हैं, उसके सारा आंसर भी दिया गया है, तो आप पहले आंसर देख के नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर आपने ये देख के करना शुरू कर दिया तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको खुद से करना है, गलत होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम आंसर दे दिए कि गलत होगा तो आप खुद से वेरीफाई कर लेंगे। ये जो 10^1 लिखे हैं हम, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 10 लिख के भी छोड़ देंगे तो वो सही है, और वो 10 लिखना ही सही होता। हम 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने 1 लिखा तो उसको भी समझ में आया कि सही है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राइट द नंबर्स इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। पहला स्टेप आपको क्या करना है, अगर उनका पावर सेम नहीं है तो नंबर्स के पावर को सेम करना है, पहला काम। दूसरा, उसके बाद उनके कोफिशियंट्स जो हैं, यानी पावर को छोड़ के जो नंबर बाकी वाले हैं उन नंबर्स को ऐड कर देना है। एग्जांपल देखिए क्या दिया हमारे पास, 4.6 × 10^6 plus 325.5 × 10^3 दिस इज गिवेन। हमें इसको ऐड करना है, तो देखिए इसका पावर 6 है, इसका पावर 3 है, तो हम पहले पावर को सेम करेंगे। पावर को सेम करने के दो तरीके हैं, हाँ याद आया, जब ये डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, बड़ा होगा, राइट साइड में जाएगा तो छोटा होगा। एक तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, दूसरा आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको बड़ा करके करते हैं, इसको तो हम ऐसे रख देंगे 4.6 × 10^6, ये ऐसे ही रह गया। देखिए ये पावर कब बड़ा होगा, जब डेसिमल किधर जाता, लेफ्ट साइड में, कितना स्टेप, ये 3 है, 3 की और चाहिए आपको, यानी कि आप डेसिमल कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 0.3255 × 10^6 हो जाएगा। तो बस अब देखिए इसका पावर, इसका पावर सेम हो गया, तो इनके कोफिशियंट्स को ऐड करेंगे। कोफिशियंट्स कौन है, ये इसका कोफिशियंट है और ये इसका कोफिशियंट है, इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5, 5, 2, 9 and 4, सो इट विल बी 4.9255 × पावर चेंज नहीं होगा, पावर सेम रहेगा, 10^6 यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, लेकिन ये नहीं करेंगे हम दोनों को ऐड करके 10^12 करेंगे, नहीं, पावर सेम रहेगा। बात समझ में आ गई, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है, आप दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है, आप कॉमन निकाल के उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम कॉमन देखें तो 10^3 कॉमन मिलेगा हमें, मिल जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा वो हो जाएगा 4.6 × 10^3 प्लस 325.5। अब क्या करेंगे, 10^3 को 1000 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4600, उसमें 325.5 को ऐड कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4925.5, हम इरेज करके लिख देते हैं यहाँ पर पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 10^3 × 4925.5 आएगी। अब क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे वापस से, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ से उड़ा के यहाँ लेके आएंगे, पावर बढ़ जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही वैल्यू आ जाएगी 4.9255 × 10^6। ये तरीका ज़्यादा ईजी है तो आप इसको यूज करेंगे। ध्यान रहे ये कब एप्लीकेबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है आपको, पहला काम दोनों के पावर्स को सेम करेंगे, दूसरा काम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हमें करना है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, इनके कोफिशियंट्स का, यानी 4.6 और 325.5 का, नंबर्स का ही होगा, पावर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर ये पावर 6 है दोनों में तो आंसर में भी 6 आएगा, यानी कि हम 12 कर देंगे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। समझ में आ गया, चलिए आंसर एक बार चेक कर लीजिए, 4.9255 × 10^6 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्शन का दिया हुआ है, ये देखिए 10^-5, 10^-6, मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, -5 -4, इसको छोटा करेंगे तो -7 -8, हाँ उल्टा होता, याद आया ना, ठीक है, तो हमें इसको बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके जाना होगा, यानी जो 7 पर डेसिमल हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, आगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.7, तो देखिए क्या हो जाएगा 0.7234, ये डेसिमल किधर गया, लेफ्ट में, कितना स्टेप, एक स्टेप, तो ये एक स्टेप बड़ा होगा, तो -6 से 1 बड़ा होकर कितना हो गया -5,
अब देखिए ये भी माइनस फाइव, ये भी माइनस फाइव, तो बस माइनस फाइव को सेम ऐसे लिख लेंगे और क्या करेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो ये जो नंबर है दिस इज कोफिशियंट एंड दिस इज कोफिशियंट, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू आई है 56.166, आप देखिए क्या ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लेके आएंगे, तो जब यहाँ लेके आएंगे तो पावर क्या होती है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है, तो ये माइनस फाइव से बढ़ के क्या हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज देखिए, यहाँ भी माइनस फाइव था, यहाँ भी माइनस फाइव था, हमने इन दोनों को ऐड नहीं किया है, पावर्स को ऐड नहीं करना, पावर्स को ऐड कब करते हैं, मल्टीप्लाई वाले केस में, ये क्लियर है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको क्लियर हो गया। ये देखिए आपके पास चार क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा, आंसर्स वगैरह दिए गए हैं। अगर आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आता है तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप मैच करेंगे तो आपका सारा आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो आप लोग एक्सपोनेंट्स और पावर हमेशा पढ़ते आए, एक्सपोनेंशियल रूल्स क्या होता है, अगर किसी भी दो नंबर का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, क्या काम ने बेस सेम, देखिए एक्स है तो ये भी एक्स है, जैसे कि आप मान लीजिए यहां पर दिया है 2 to the power 3 into 2 to the power 5, देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई वाले केस में दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, नंबर ऐड नहीं होगा, नंबर 2 रहेगा, बस पावर ऐड होगा, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो x टू द पावर m प्लस n, अगर ये 3 है ये 7, तो वैल्यू कितना आता है, x टू द पावर 10 आ जाता, कर सकते हैं। ऐसे देखिए जैसे मल्टीप्लाई में ऐड होता है तो डिवाइड में ये क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 4 raised to the power 7 डिवाइडेड बाई 4 raised to the power 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए नंबर सेम रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ पावर, 7 2 डिवाइड का सिंबल यानी कि माइनस करेंगे, 7 - 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5, ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज अगर नीचे का पार्ट, ये देखिए 1 upon x to the power m है ना, अगर हमें इसको ऊपर लेके जाना है तो हम पावर को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, अगर ये माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो ऊपर माइनस होगा, तो ये देखिए m क्या है, प्लस है, तो ऊपर आने के बाद ये क्या हो गया, माइनस m। वैसे ही यहां देखिए माइनस m है, ऊपर आने के बाद क्या हो गया, प्लस m। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल आनी चाहिए मैथ्स में, आप सबको डेसिमल वगैरह बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता तो वो भी आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मनीष, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको देखने हैं और समझने हैं, बहुत सिंपल से हैं। देखिए 5.4 × 10⁵ × 2 × 10�³, हमें ये वैल्यू दिया गया है, तो बस सिंपल है, हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इस नंबर से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए दोनों सेम सेम टाइप के दिख रहे हैं, 10⁵, 10�³। देखिए दोनों कुछ कैसे रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, हम पहले पावर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10⁵ मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब नंबर्स को ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 to 10.8। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1.08 × जब डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये 8 से कितना हो गया, 9, ये हो गया आंसर। देखिए 1.08 × 10⁹, ये पूरा स्टेप वाइज डिफाइन है और ये हमने आपको तरीका बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट सॉरी किसका दिया है, ये डिवीजन का, बस सिंपल सा है, पहले पावर सा डील कर लेते हैं। देखिए ये माइनस फाइव है, ये माइनस टू है, तो 10⁻⁵ माइनस फाइव और माइनस टू, पावर क्या होगा, घट जाएगा, तो माइनस फाइव में से टू घटाना है तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थ्री या माइनस सेवन, खुद से सोचिए बताइए, हाँ कितनी आएगी, माइनस फाइव में से माइनस टू घटाना है, तो देखिए माइनस फाइव, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस सॉरी 10⁻⁵ माइनस फाइव माइनस माइनस टू, समझ में आ रही है,
इसका माइनस फाइव, फिर क्योंकि ये डिवीजन का सिंबल है तो हमें माइनस करना होगा वो वाला माइनस, और ये वैल्यू भी कितनी है माइनस टू है तो माइनस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों माइनस है ना, माइनस माइनस ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस। तो देखिए माइनस फाइव प्लस टू, माइनस फाइव में टू ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है माइनस थ्री होती है। बात समझ में आ गई। तो चलिए ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इनसे कर देंगे। तो देखिए सॉरी डिवाइड करना है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.4 × 10⁻³, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। देख लीजिए 5.6 डिवाइड्स बाई 1.4 यही है ना, तो इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा देंगे, ये बचा 14 × 56 फोर टाइम्स में, तो वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻³। एक तो ये तरीका है, और यहाँ पे सारा स्टेप वाइज आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए 5.6 × 10⁵ ऐसे लिख लिया हमने, फिर हमने इस पूरे नंबर को कहाँ कर दिया नीचे डिवाइड के लिए। अब देखिए ये जो डेसिमल आप हटाएंगे, जब आप ऊपर के डेसिमल हटाएंगे तो जीरो कहाँ मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो देखिए एक डेसिमल था इसलिए 10 यहाँ मल्टीप्लाई किए हम, इस 1.4 का जब डेसिमल हमने हटाया तो इसका डेसिमल कहाँ चला जाएगा ऊपर, कितना वन डिजिट, तो 10 ऊपर चला गया। अब 14 × 56 फोर टाइम्स का कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब क्या किया हमने, इस 10⁻²² को ऊपर लेके गए हम नीचे से ऊपर, ये देखिए माइनस टू है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस टू। सो देखिए 4 × 10⁻²⁵ × 10⁻²। अब इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस फाइव और प्लस टू को तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। सो ये आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³। क्लियर है। चलिए फिर आपके पास दो होमवर्क हैं, दोनों का आंसर दिया हुआ है, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद हम बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, देखिए जूनियर सेक्शन में तो हम यही मान के चलते दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी क्या होती है, वो एग्जैक्ट आंसर से हम कितने पास हैं, एग्जैक्ट आंसर से हम कितने पास हैं। एक्चुअली होता क्या, आप ये समझिए कि जब हम किसी भी चीज़ की रीडिंग लेते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, होती है ना, उसी एरर से हमारी कितनी गलती हो रही है ये चीज़ बताने के लिए हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं। अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक उतनी ही कम होगी। बात क्लियर है। तो देखिए एक्यूरेसी क्या है, एक्चुअल आंसर से हम कितना दूर है, दैट इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मेरी अलग अलग वैल्यू आएगी, आएगी ना, वो जो अलग अलग वैल्यू आई हैं वो एक दूसरे से कितना दूर है, दैट इज प्रिसीजन। एक बार फिर से सुनिएगा, एक्यूरेसी क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आंसर एंड माई आंसर। मान लीजिए एक्चुअल आंसर आता है 7, ठीक है, ये रीडिंग एक्सपेरिमेंटल है, कितना आएगा 7, और हम जब सॉल्व किए तो मेरी वैल्यू आई 6.9। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कर करके मुझे आंसर मिला कितना 6.9, जो कि आंसर एक्चुअल कितना था 7। तो दिस इज एक्यूरेट, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल आंसर के बिल्कुल पास है 6.9 को हम लगभग 7 मान सकते हैं ना। सो हम कहेंगे दिस इज एक्यूरेट। अगर मेरी वैल्यू ये आती 6.2, क्या हम 6.2 को भी 7 कह सकते हैं, नहीं कह सकते, देन वी विल बी सेइंग दैट 6.2 इज नॉट एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब समझ में आ रहा है, एक्चुअल आंसर से जब एकदम हम पास होते हैं दैट इज एक्यूरेसी। ये तो रही बात एक्यूरेसी की, अब प्रिसीजन का समझिए, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हम एक बार में वैल्यू को राइट नहीं करते, क्योंकि इरर होती है तो बार बार किसी को रिपीट करता कि इरर कम हो। मान लीजिए मेरा आंसर आया 6.1, 6.2, 6, 5.9 एंड 5.95, मेरा एक्चुअल आंसर कितना है 7। अब हमें यह होती है क्या 6.1 एक्यूरेट है, नहीं है, 6.2 नहीं है, 6 नहीं है, 5.9 नहीं है, 5.95 नहीं है, यानी इनमें से कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। ये तो रही बात एक्यूरेसी की। अब प्रिसीजन क्या होता है,
ये सारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू एक दूसरे से कितना पास है। अब ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल आंसर से कोई मतलब नहीं है। प्रिसीजन ये कहता है कि हम हमारी वैल्यू में कितना डिफरेंस पाते हैं। देखिए पहले हमने 6.1, फिर 6.2, फिर 6, फिर 5.9, फिर 5.95। आप देखेंगे तो सारे वैल्यू लगभग 6 के अराउंड है। 6.1 6 माना जा सकता है, 6.2 6 माना जा सकता है, 6 को भी 6 मान सकते हैं, 6 को 6 क्या माना, वो 6 है ही। 5.9 लगभग 6 है, 5.95 भी लगभग 6 है। यानी ये सारी वैल्यू आपस में एक दूसरे के क्लोज है। सो वी विल से दैट दिस इज प्रिसाइज्ड। यानी ये वैल्यू क्या है, प्रिसाइज्ड है। जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भी वो वैल्यू उसी के पास आ रही है। यानी कि ये क्या है, प्रिसाइज्ड है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो चलिए साफ शब्दों में जो हमें समझना है वो क्या है, एक्यूरेसी क्या है, एक्चुअल आंसर से हम कितने पास हैं। प्रिसीजन क्या है, मेरे एक्सपेरिमेंट में जितने वैल्यू आए वो वैल्यू एक दूसरे के कितने पास हैं, उसको एक्चुअल आंसर से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए तो डेफिनेशन सामने दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल में मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इफ द ट्रू वैल्यू इज 4 गिवेन, ठीक है, हमें एक्चुअल आंसर दिया गया कितना 4, हमें बताना इसमें कौन कौन एक्यूरेट है। देखिए ए क्या 3.67, बी कितना 3.95, 4.02, 4.5, 3.4, इसमें ये एक्यूरेट है। कौन एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि 3.95 लगभग 4 के ही इक्वल है, 4.02 ये भी कितना है 4 के इक्वल है, सो दीज आर एक्यूरेट। 4.5 दिस इज इक्वल टू 5, 3.4 दिस इज इक्वल टू 3, एंड 3.67 दिस इज इक्वल टू 3.6, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो दीज आर वेरी लेस एक्यूरेट। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ये है C1, उसके बाद B है, उसके बाद भी अगर पूछा जाए तो ये बहुत ही कम एक्यूरेट है, और ये दोनों तो एक्यूरेट ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो था एक्यूरेसी, क्लियर है। चलिए एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन, एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है दोनों ही चीजें दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट में भी गड़बड़ी रहती है। याद है कैसे पता चलेगा, जब आप प्रोट्रैक्टर वगैरह से 90 डिग्री बनाते हैं या कंपास से, तो कई बार कंपास को ढीला होने की वजह से हमारी शक्ल टेढ़ी हो जाती है। हो जाती है, कभी आपने ट्राई किया? हाँ, तो वो किसकी प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट की। यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होती है। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा ऑपरेटर स्किल, वो यूज करने वाले पे भी डिपेंड करता है। अगर यूज करने वाला प्रोफेशनल है, उसको आदत एक्सपीरियंस है, तो फटाफट कर लेगा। अगर आदत नहीं है तो बार बार करेगा, उससे मिस्टेक ज़्यादा होगी। जब आप पहली बार कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करते थे तो आप बहुत ही स्लो टाइप करते थे, तो आपकी स्किल क्या थी उसमें डेवलप नहीं थी। लेकिन अब आप करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइपिंग का ही काम करते हैं, उनकी स्किल आपसे ज़्यादा डेवलप है, तो उनकी एरर उससे भी कम होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या है, प्रिसीजन का डेफिनेशन है। कोई मतलब नहीं है, आपको सब पता ही है प्रिसीजन क्या होता है। एक ही एक्सपेरिमेंट पे हम अलग अलग टाइम करते हैं, और उनकी वैल्यू अगर एक दूसरे के पास हैं सो दे आर प्रिसाइज्ड। मेरे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इफ द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज 4 गिवेन, 4 ग्राम किसी भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का एक्चुअल आंसर दिया है कितना 4, एंड द ऑब्जर्वेशन मेड बाई 4 स्टूडेंट्स आर शोन, और आगे टेबल में हमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, छोटा करते हैं, ठीक है। हमें बताना है ABCD करके किसका एक्यूरेशन सही है, एक्यूरेसी, और किसका प्रिसीजन सही है। देखिए ए का एवरेज वैल्यू कितना आया है 4.25, ए का एवरेज वैल्यू कितना है 4.25, और एक्चुअल आंसर कितना है हमारा, हम यहां पे लिख लेते हैं 4। देखिए 4.25 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 0.25 का, जो कि बहुत ज्यादा है। तो क्या ये एक्यूरेट है, नहीं, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही खराब है। अब देखिए
इसका प्रिसीजन, प्रिसीजन कैसे देखते हैं, इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। पहले बार में कितना आया 3.6, फिर कितना आया 4.2, फिर कितना आया 4.4, फिर कितना आया 4.8। क्या ये वैल्यू एक दूसरे के पास पास है या दूर दूर है? काफ़ी दूर है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट प्रिसाइज। तो हम क्या कहेंगे, जो ए है, ए की वैल्यू नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, यानी कि ना ही ये ए वाले बच्चे का नो वैल्यू है वो एक्यूरेट है, ना ही प्रिसाइज है। बी का देखते हैं, देखिए बी का वैल्यू कितना आया हमारा 3.65 आया है ना। ये वैल्यू क्या 4 के, एक्चुअल वैल्यू हमारा 4 है, क्या 4 के इक्वल है? आसपास भी नहीं है, तो क्या ये एक्यूरेट होगा? नहीं। तो पहली बात तो बी की भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। अब हम प्रिसीजन देखेंगे, इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना आया 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, सब में डिफरेंस देखेंगे तो कितना का आएगा 0.1 का, है ना। तो क्या ये प्रिसाइज है? हाँ ये बिल्कुल प्रिसाइज है, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। ऐसे देखिए 4.0 नहीं, पहले हम तो ये एक्चुअल वैल्यू देखते हैं, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी है 4.005 और ट्रू वैल्यू कितनी है 4, क्या ये एक्यूरेट है? हाँ बिल्कुल, हम इसको क्या मान सकते हैं 4 मान सकते हैं। सो दिस इज एक्यूरेट। तो ये देखिए एक्यूरेट नहीं था लेकिन प्रिसाइज था, ये एक्यूरेट है। अब प्रिसीजन चेक करते हैं, देखिए 4.00, 4.01, 4.02 एंड 3.99, क्या ये प्रिसाइज है? बिल्कुल प्रिसाइज है। तो ये तो दोनों ही है, यानी जो सी स्टूडेंट है उसका एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसीजन भी अच्छा है। डी में, डी का एक्चुअल वैल्यू कितना है 4, ये तो एग्जैक्ट है, यानी कि ये भी क्या है 100% एक्यूरेट है ये। अब देखिए 3.7, 3.9, गैप कितने का 0.2 का, ये भी 0.2, ये भी 0.2, क्या ये प्रिसाइज है? नहीं। तो ये था एक्चुअल तरीका और एक्चुअल मीनिंग समझने का, एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। तो एक्यूरेसी क्या है, जो एवरेज वैल्यू आई है वो वैल्यू एक्चुअल आंसर से अगर पास में है देन इट इज एक्यूरेट, अदरवाइज इट इज नॉट एक्यूरेट। प्रिसीजन क्या है, ये जो बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है ये एक दूसरे से कितना पास में है, डेट विल डिसाइड द प्रिसीजन। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हम और आपको कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क दे दे, आप वहां से जरूर करिए। ये इसके सारे आंसर्स दिए हुए हैं, देखिए ए में पुअर एक्यूरेसी पुअर प्रिसीजन, सही है। बी का पुअर एक्यूरेसी बट गुड प्रिसीजन, सी का गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन, हाँ इसका एक्यूरेसी भी सही था और प्रिसीजन भी। फोर्थ का इट हैज गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।